चलो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ क्रंची की ऑमलेट, जिसमें इंग्रेडिएंट रहेगा अंडा और थोड़ी सी बटर, और उसमें डालूंगा मैं क्रंचीनेस के लिए डिंगो मैडेंगे। तो पहले मैंने थोड़ा बटर ले लिया है, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सही चाहिए, दो अंडे के हिसाब से मैंने डाला है। और इसमें मैं अंडा पेट लिया हूँ, दो अंडा लिया हूँ। वाले थोड़ा मैं फूट रहा हूँ, वो आराम से कर देंगे। जैसे कच्चा थोड़ा रहेगा इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ये मैडेनल्स, और मैंने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा खट्टा और नमकीन होता है, तो मुझे बस उनको सजाना है। और मैं ये क्यों लिया हूँ, आप चाहे तो पोटैटो चिप्स ले सकते हो, लेकिन पोटैटो चिप्स फ्लैट नहीं आते, तो आपको इस अंडे को पलटाने के लिए दिक्कत होगा। तो ये जैसे सर्विस फ्लैट है तो ये आराम से उसमें पलटा जा सकता है, तो इसलिए मैं ये लिया हूँ। आप चाहे तो कुछ भी क्रंची वाला डाल सकते हो, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है तो मैंने इसको डाल रखा है। तो मैंने इसको पलटा दिया है, तो ये एक दो एक सेकंड या दो सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे इसको बनने में, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा पक चुका है। बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसको पलटा है मैंने, जैसे रेडी हो चुका है, अब इसको निकालूंगा। ये मेरा क्रंची ऑमलेट रेडी है। शायद किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये चम्मच से नहीं खाया जाएगा, बॉक्स से नहीं खाया जा सकता, तो अगर आप उसमें बेहतर हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बाकी मैं तो इसको हाथ से खाऊंगा बिना चम्मच का। थैंक यू।